हेयर फॉल एक्चुअली दैट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा. ड्यू टू दिस मॉडर्न लाइफ स्टाइल इवन पीपल ऑफ यंग एजेस नाउ डेज आर लूजिंग देयर हेयर. एंड ये बहुत कॉमन है. इवन आई एम अ हेयर स्टाइलिस्ट, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मॉडल्स या स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम मेरा हेयर फॉल हो रहा है. इसके ना बहुत सारे रीजन्स हैं. डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है, हेरिडिटी भी हो सकती है, सबसे बड़ा मेन टॉपिक स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, बहुत सारे रीजंस है. वो सब मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में. सो ये सारे रीजंस, इसके सॉल्यूशंस क्या है, सब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक. तो सॉल्यूशंस जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है रीजंस जानने की कि हेयर फॉल के रीजंस क्या क्या हैं. सुनो, वो कोई बीमारी भी हो सकती है, लाइक थायराइड, डायबिटीज़, टीबी, अगर आपको आयरन की कमी है, स्ट्रेस मोस्ट कॉमन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस आजकल के यूथ में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है. स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी बॉडी से हीट निकलती है, नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को भी इफेक्ट करती है. यस, इट इज़ ट्रू. सो स्ट्रेस भी एक सबसे बड़ा कारण है. सो डोंट टेक स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आजकल की डाइट इतनी गंदी डाइट हो गई है, फास्ट फूड, उसमें पता नहीं क्या क्या मिलावटें होती हैं. फूड भी पहले जैसा नहीं रहा, पहले के ज़माने में इतने हेल्दी हेयर होते थे लोगों के, तो वो चीज़ें नहीं रही. एंड इफ़ यू टेक मेडिसिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी एक रीजन बन सकता है आपके हेयर फॉल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट्स. So it is totally understood that if you lose your hair, you also lose your confidence. Firstly, you need to understand that if you are losing hair or that is the hair growth cycle, that is a different concept. Agar aap daily 50 to 100 baal apne lose kar rahe ho, that is not hair fall. एंड अगर नहाते वक्त या कॉम करते हुए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हेयर आप लूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. उस पर आपको सोचने की ज़रूरत है. वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या डाइट में इंक्लूड करना है या फिर आपको अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है. फर्स्टली एक चीज़ होती है ना, सोल्यूशन अगर चाहिए तो उसका रीज़न हमें, जड़, वो हमें जानने की ज़रूरत होती है कि रीज़न क्या है, तभी तो हमें सोल्यूशन मिलेगा ना. सो हियर वी गो. एंड इम्यूनिटी सिस्टम आजकल के बच्चों का बहुत ही ज़्यादा वीक है. पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स भी बताते थे कि आजकल के बच्चों का कोई इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है, क्योंकि डाइट सबसे बड़ा एक रोल प्ले करती है ना. सो वो भी हमारे हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है. लो इम्यूनिटी सिस्टम मीन्स वो भी एक रीज़न है हमारा हेयर लॉस होने का. So here we further move to the solutions, what you need to change in your lifestyle, what you need to add in your diet. First of all, take proper amount of proteins in your diet according to your weight, like 1 gram per kg per day. And minerals like biotin, zinc and iron you need to add in your diet. What you also can do, you can take a proper balanced diet, take proper amount of water intake. 3 to 4 liters per day according to your weight. Actually, water is the thing which is the common solution for every problem, every disease. Water is very helpful for us. And you can do exercise like yoga, zumba, aerobics and many more. You can add that in your daily lifestyle. And take proper proteins, like you can add sprouts, soybean, in your diet. What you also can do, you can add more green veggies in your diet. And if you are non-vegetarian, fish, that is very good for your healthy hair. You can add that in your diet. Water maine aapko bata hi diya. And if you are frequently having hair loss, try to avoid chemical treatments such as smoothing, keratin, Kerasmooth and many more. Thermal styling also, heat also affect your hair. एंड आपको 2 times पर वीक हेड वॉश करना चाहिए. अपने स्कैल्प को इन्फेक्शन से दूर रखो. स्कैल्प क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको हेयर लॉस ना हो. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, हेयर टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज़ करो. शैम्पू रेंज की मैं एक अलग वीडियो पोस्ट कर दूँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.
एंड प्लीज 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 अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर मेरा कंटेंट अच्छा है, इफ यू लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट प्लीज.